जरा ध्यान से देखो तो हर देश की सरकार कला के माध्यम को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर बुनियादी परिवर्तन लाना है तो हमें अपनी कला, अपने माध्यम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। अगर फिर भी काम नहीं बनता तो हथियार को अपना माध्यम बनाना होगा। आपका मतलब है कला का उद्देश्य सिर्फ राजनीति का हथियार बनकर रह जाना है, उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है तो उसका आर्ट रेलेवेंट नहीं है। क्यों डॉक्टर? मुझे इस बहस में क्यों उलझा रहे हैं? सीरियसली, आर्टिस्ट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विश्वास रखे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाए, यह उसका निजी फैसला है, उसका व्यक्तिगत चुनाव है। मैं इसे उसके आर्ट के रेलेवेंट होने की आवश्यक शर्त नहीं मानता। लेकिन एक बात स्पष्ट है, श्रेष्ठ कला और साहित्य 20वीं शताब्दी में तो खासकर किसी न किसी किस्म के प्रोटेस्ट के जज्बे से पैदा हुआ है। यह प्रोटेस्ट केवल राजनीतिक था, सामाजिक या आध्यात्मिक था, इसका विश्लेषण करना आसान नहीं है, लेकिन कलाकार के मन में प्रोटेस्ट का, विद्रोह का जज्बा बहुत शक्तिशाली था। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, अन्याय और दमन के विरुद्ध आवाज उठाना कलाकार की अहम जिम्मेदारी है। डॉक्टर, इतने वर्षों में पहली बार तुम्हें इतना बोलते हुए सुन रही हूँ। अविनाश साहब की कृपा है। वैसे डॉक्टर, आपको ऐसा नहीं लगता कि कलाकार के प्रोटेस्ट को एक व्यापक विद्रोह का रूप देने के लिए उसे किसी राजनीतिक संगठन के समर्थन की जरूरत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। एक ऐतिहासिक क्षण में जब बहुत से कलाकार एक विशेष प्रकार की चेतना, एक विशेष प्रकार की सेंसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, तो खुद ब खुद एक मूवमेंट शुरू हो जाती है जो सीधे जन साधारण के दिलो दिमाग तक पहुंचती है। लेकिन डॉक्टर, व्यक्ति के निजी सुख दुख का क्या? आपका दर्शन तो उसे तुच्छ मानकर धिकारता है। हमारा हर सुख हर दुख सामाजिकता और राजनीति से संबद्ध होना चाहिए। हर बार ये आग्रह क्यों? व्यक्ति के निजी सुख दुख के साथ कोई बैर नहीं, पर अगर वो रचना के रूप में कलात्मक स्तर को नहीं छू पाता, कोई नई दृष्टि नहीं देता, तो किस काम का? डॉक्टर साहब, कभी कभी मुझे ये संदेह होता है कि जब हम सोशल कमिटमेंट की शर्त लेकर चलते हैं तो कला का दर्जा छोटा तो नहीं हो जाता? हम कैसे तय कर सकते हैं कि एस्थेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कमिटमेंट? फिर सोचता हूं ये सब सवाल बेमानी है, क्योंकि हमें चुनने की आजादी नहीं है। हम लिखते हैं क्योंकि हम लिखे बगैर रह नहीं सकते। अमृत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गया है क्योंकि उसे वही अपना रास्ता जान पड़ता है। सबसे अहम बात यह कि हमने अपने लिए जो काम चुना है उसे हम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं या नहीं। भरत, एक सवाल का जवाब दो। हमारे इर्द गिर्द जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में कोई मॉरल स्टैंड लेना चाहेंगे या नहीं? एक इंसान होने के नाते जरूर लूंगा। और कलाकार के नाते? जरूरी नहीं। इसका मतलब एक ही आदमी में दो किस्म की मॉरल कमिटमेंट होती है? हो सकती है। अगर वो आदमी कलाकार है तो दो अलग अलग स्तरों पर वो लगातार जीता है। यू आर अ कावर्ड। मॉरल स्टैंड लेने से घबराते हो और होशियारी से शब्द घुमाते हो। नहीं, असल में मेरा स्टैंड ज्यादा मॉरल है। अगर मैं दो तरह की मॉरल कमिटमेंट्स रखने में गफलत करता हूं तो इंसान होने के नाते तो मैं भ्रष्ट हो ही जाता हूं, कलाकार होने के नाते भी ईमानदार नहीं रह पाता। कितने कलाकार मिलेंगे जो आपके दो स्तरों पर रहकर पूरी ईमानदारी से जी लेते हैं बगैर समझौता किए? ये अलग सवाल है। अलग सवाल नहीं है भरत। कभी ना कभी भीतर का इंसान और कलाकार एक दूसरे के सामने पड़ जाते हैं और एक ही सवाल का जवाब ढूंढने लगते हैं। तभी निर्णय करना पड़ता है, करना ही पड़ता है कि हम कलाकार बनकर जीना चाहते हैं या इंसान बनकर। कभी तुम्हारे सामने ऐसा सवाल उठे तो तुम क्या करोगे? अविनाश साहब के लिए फोन है। एक्सक्यूज मी। आप लोग क्यों ऐसी बातों में अपना सर खपाते हैं, अपनी तो समझ में नहीं आता। अरे लेखक लिखना चाहता है तो लिखे, विषय कम पढ़ते हैं क्या? अकाल, अपराध, अधेड़ उम्र की लड़कियों की समस्याएं, भ्रष्ट मंत्री। वो चारा का आपकी खातिर खाली रख छोड़ी है हमने। डोंट बी रूड वृंदा।
क्या हुआ? क्या बात है अविनाश? क्या हुआ अविनाश? अमृत नहीं रहा, उसे मार दिया गया। कब? कैसे? आज सुबह।